नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आदि गणेश। शिक्षण विधियों की कक्षा चल रही है। आज हमारी शिक्षण विधि है रसास्वादन विधि। उससे पहले एक बात कि हमारी ये कोशिश है, हमारा ये पूरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों की मदद हो हमारे इस कक्षाओं के माध्यम से। तो हमारी इस कोशिश में ज़रा सहयोग आप भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं चैनल के बारे में और उन्हें जोड़े, सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाने को कहें ताकि उनकी भी मदद हो सके। लाइक किया करें वीडियो को और कमेंट भी किया करें ताकि आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचती रहे। रसास्वादन विधि है, पढ़ने को मैटर मिल जाता है आपके पास भी, लेकिन समझने का कुछ तरीका होता है, वो यहाँ पर कुछ मुझे लगता है कि कुछ हटके बताया जाए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। रसास्वादन विधि। रसास्वादन अर्थ को देखते हैं, इस शब्द के अर्थ को देख के हम इस विधि को समझ लेंगे। रसास्वादन दो शब्दों से मिलकर बना है, रस धन आस्वादन। रस धन आस्वादन। रस का अर्थ होता है आनंद, रस का अर्थ होता है आनंद, और आस्वादन का अर्थ होता है ग्रहण करना, यानी कि आनंद को ग्रहण करना ही रसास्वादन है, रसास्वादन विधि है। अब देखते हैं इसकी परिभाषा के रूप में और देख लेते हैं थोड़ा सा। काव्य पाठ के दौरान तन्मयता या आनंद की स्थिति पैदा करने वाली विधि क्या रसास्वादन विधि कहलाती है। काव्य पाठ किया जा रहा है और उस समय तन्मयता और आनंद की जो स्थिति पैदा करने वाली विधि है ना, वो रसास्वादन विधि है। अब हम इसको समझे कैसे कि कैसे रसास्वादन विधि है। मैंने बहुत पहले मां शीर्षक पे द्वार रूप में कुछ पंक्तियां लिखी, उनमें से आपको दो पंक्तियां सुनाता हूं और फिर इसको समझिए कि मां की ममता देख कर दिया कलेजा रोए, सारे जग में घूमिया माँ जैसा ना कोई। अब जो ये पंक्तियां आपने सुनी तो आप आनंद विभोर हो गए, आप उसी कल्पना लोक में चले कि आपकी तन्मयता आ गई आपके मन मस्तिष्क के अंदर। तो इस समय जो शिक्षक द्वारा पढ़ाने की जो स्थिति है और जो विधि है वो ही कहलाती है रसास्वादन विधि। अब इसके लक्षण देख लेते हैं, परीक्षा में इन्हीं से संबंधित प्रश्न आते हैं। कविता पाठ के लिए प्रयुक्त विधि, जो रसास्वादन विधि है ये कविता शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि है, प्रयुक्त विधि है। शिक्षक का उद्देश्य, रसास्वादन विधि के अंदर कविता शिक्षण के समय शिक्षक का उद्देश्य कविता का अर्थ न बताकर, मुख्य उद्देश्य कविता का अर्थ न बताकर काव्यानंद में छात्रों को क्या है, समर्थ बनाना है। मुख्य उद्देश्य उसका अर्थ न बताकर छात्रों को तन्मयता की, आनंद की स्थिति में, रसानुभूति की स्थिति में किस प्रकार आ सकते हैं बालक बच्चे, वो मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षक का। यह एक प्रकार से उपसंहार विधि है। इस लक्षण को आप ध्यान रखें, जो रसास्वादन विधि है वो एक प्रकार से उपसंहार विधि है। आप देखते हैं कैसे, मतलब कि सामान्य रूप से व्याख्या करने के बाद में रसानुभूति कराना, सामान्य रूप से व्याख्या कर दी और जैसा कि मैंने मुख्य उद्देश्य बताया काव्यानंद में छात्रों को समर्थ बनाना, व्याख्या कर दी सामान्य रूप से, बाद में उसको वाचन करवा के रसानुभूति गा के लयबद्ध रूप से कैसे भी रसानुभूति करवाना, ये इसकी प्रमुख उद्देश्य है इसका। मौन वाचन अनुचित है, रसास्वादन विधि के अंदर मौन रहना, मौन वाचन करना अनुचित है, तथा भावानुसार, कविता की भावानुसार स्वर वाचन करना उचित बताया गया। इसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं होता है, इसमें यूं कहें कि व्याकरण की उपेक्षा की जाती है और शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये लक्षण भी ध्यान रखें, रसास्वादन विधि के अंदर शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वो इस प्रकार होती है कि शिक्षक का तरीका कैसा है, शिक्षक किस प्रकार से रसास्वादन करवा रहा है बालकों को, तो शिक्षक की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है।